सो दिस इज दी ऑल न्यू DJI Osmo Pocket 3, एक नया कैमरा DJI की तरफ से। तो बैक टू बैक DJI काफी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने DJI Action 4 भी रिव्यू करा था, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। और आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एक्शन कैमरा और इस पॉकेट 3 में क्या फर्क है, दोनों में से क्या लेना चाहिए। वीडियो के एंड में आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब DJI Osmo Pocket 3 एक ऐसा कैमरा है जिसके अंदर आपको 2 इंच का ये रोटेटिंग टच स्क्रीन मिलता है, 1 इंच का सेंसर है जिसको यूज करके आप 4K 120fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड इवन ये जो डिस्प्ले है इसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। फेस ऑटो डिटेक्ट है जिसको यूज करके आप इस तरीके से फ्रेम में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन मिलता है आपको, पैन टिल्ट एंड रोल एक्सिस, जिसको यूज करके आप काफी स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हो। और जैसे कि इसके नाम में पॉकेट है, ये एक्चुअली काफी कॉम्पैक्ट है, आप इसको अपने इजिली पॉकेट में कैरी कर सकते हो। और काफी फीचर्स हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में, बट उससे पहले लेट मी टेक यू थ्रू कि जब आप पॉकेट 3 लेते हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो अगर आप DJI Osmo Pocket 3 का स्टैंडर्ड बॉक्स लेते हो तो उसमें ऑब्वियसली DJI Pocket 3 मिलने वाला है। उसके बाद टाइप सी टू टाइप सी PD केबल है, प्रोटेक्टिव कवर है जिसमें आप इजीली अपने पॉकेट 3 को इस तरीके से स्टोर करके कैरी कर सकते हो, सो दैट जो आपका पॉकेट 3 है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद आपको रिस्ट स्ट्रैप भी मिलता है, और लास्ट में आपको DJI का ये हैंडल मिलता है विद 1/4 इंच थ्रेड जिसको आप यूज कर सकते हो टू माउंट एक्सेसरीज। बट अगर आप क्रिएटिव कॉम्बो लेते हो, जो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ, वीडियो में आगे बताऊंगा क्यों, उसके अंदर आपको कुछ एडिशनल चीजें मिलती हैं जैसे कि वाइड एंगल लेंस जिसको यूज करके आप वाइड एंगल वीडियोस बना सकते हो 15mm में। देन आपको DJI माइक 2 ट्रांसमीटर भी मिलता है जिसको आप यूज करके वायरलेसली ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। विंड स्क्रीन है माइक के लिए, इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हो। क्लिप मैग्नेट भी है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इस तरीके से अपने टी शर्ट में लगा के वीडियो शूट करना चाहते हो। और क्रिएटिव कॉम्बो में सबसे यूजफुल चीज है बैटरी हैंडल जिसको आप एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हो, और आपका जो पॉकेट 3 है वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। और आपको ये मिनी ट्राइपॉड भी मिलता है जिसको आप यूज करके अपने पॉकेट 3 को कहीं पे भी रख के वीडियो शूट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये सब स्टोर करने के लिए एक DJI का कैरी बैग भी मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं सेंसर की बात करूं तो पॉकेट 3 में 1 इंच सेंसर है जो कंपैरेटिवली एक्शन कैमरा से काफी बड़ा है। इसके आपको 2 बेनिफिट्स मेजरली मिलते हैं। सबसे पहला, लो लाइट में नॉइस बेटर हो जाती है, और दूसरा बेनिफिट जो मुझे काफी बढ़िया लगा कि नॉर्मली जो आप वीडियो शूट करते हो पीछे ब्लर इफेक्ट काफी बढ़िया आता है। इन दोनों का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे दिखाऊंगा, बट अगर आप एक ही कंपैरिजन लेके चलते हो कि भाई एक्शन कैमरा से कैसे अलग है, सेंसर इज द फर्स्ट पॉइंट। और अगर मैं लेंस की बात करूं तो 20mm का एंगल ऑफ व्यू आपको मिलता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि देखो, अगर मैं इतना पास भी कैमरा रखता हूं, ब्लर इफेक्ट आप देख सकते हो, तो ये ज्यादा वाइड भी नहीं है, ज्यादा नैरो भी नहीं है। अगर मैं आर्म स्ट्रेच करता हूं पूरा तो इतना एंगल ऑफ व्यू आपको इजीली मिल सकता है। और एक बार इसका बैकलाइट सिचुएशन में भी देख लेते हैं कि डायनामिक रेंज कैसा है। तो सन अभी मेरे एकदम पीछे है, मतलब मैंने अपने सर के पीछे छुपाए हुए सन को, तो दिस विल गिव अ फेयर आइडिया कि पहली चीज फ्लेयर कैसे ले रहा है, दूसरा कि जब सन मेरे पीछे है, पीछे बहुत ब्राइट लाइट है, तो डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, हाई डायनामिक रेंज। दैट इज समथिंग जो मुझे भी टेस्ट करना था, एंड आई थिंक इस क्लिप से आपको भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये एक सैम्पल है, 4K 60fps पे मैं शूट कर रहा हूँ वॉक करते हुए। और एक चीज़ जो मुझे इंस्टेंटली इसमें DJI Pocket 3 में बढ़िया लगी वो है जो नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। अभी तो बैकलाइट है, अगर मैं इस सिचुएशन में भी आपको दिखाता हूँ तो पहली चीज़ जो मैंने ये देखा था कि DJI Action 4 में था कि फिक्स फोकस था, बट इसमें ये चीज़ बढ़िया है कि देखो, अगर मैं पास भी लेके आ रहा हूँ ना, आई थिंक इतना पास फोकस हो रहा है, दैट इज़ गुड। और ब्लर इफेक्ट अगर आप देखोगे, डेप्थ ऑफ फील्ड, नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड है। मैं बार बार स्क्रीन में देख रहा हूँ बिकॉज इतनी बड़ी स्क्रीन है तो शायद वो आई कॉन्टैक्ट ना लगे, बट एनीवेज, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है 1 इंच सेंसर का कि आपको नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, जो ब्लर इफेक्ट जैसे डिजिटल कैमरा से होता है ना, DSLR या मिररलेस कैमरा से, तो वो वाली चीज़ इसमें है। तो अगर आपके डाउट है कि GoPro या एक्शन कैमरा जो रहता है और इसमें क्या फ़र्क है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप इस तरीके से व्लॉगिंग करते हुए नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एक बार मैं ये भी देखना चाह रहा था कि नॉर्मली मिनिमम फोकस डिस्टेंस कितना है, तो कितनी पास जाके हम ये देखो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ आई थिंक बहुत सही लग रहा है। अगर आप देखोगे आगे का एरिया फोकस में, पीछे ब्लर इफेक्ट है, और ये चीज़ आप एक्शन कैमराज में कैप्चर नहीं कर सकते। लेट्स सी, आई थिंक हाँ इतना पास तो फोकस नहीं होगा, बट
दिस इज अ डिसेंट डिस्टेंस। अब इस कैमरा में आप अप टू 4K 120 FPS स्लोमो मोड में शूट कर सकते हो। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्लोमो मोड और आप 4K 120 तक जा सकते हो। 1080p में 240 FPS है, बट हाँ अगर आप स्लोमो मोड में शूट कर रहे हो तो आपको ऑडियो नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और आपको 2.7K और 1080p का भी ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे भी आप मैक्सिमम 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी फ्रेम्स के भी ऑप्शन मिलते हैं 50, 30, 25, 24, बट नॉर्मली 4K 60 समथिंग दैट नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं। तो अभी मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से एकदम धूप आ रही है, लाइट आ रही है, अंदर पूरा अंधेरा है। तो एक तो पहले बैकलाइट का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लो लाइट का टेस्ट, बिकॉज इस सिचुएशन में यहाँ पे जब मैं आता हूँ लाइट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो नॉइस कंट्रोल कैसा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्लस डायनामिक रेंज, बिकॉज पीछे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हैं एंड फेस पे उतनी लाइट नहीं है। एको थोड़ा सा हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस एको होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे ये पूरा एक गुंबद है बेसिकली। तो या दैट्स इट, और थोड़ा टेस्ट करते हैं। अभी स्क्रीन में तो देखने में मुझे बढ़िया लग रहा है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि थोड़ा सा डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बढ़िया है कि आप 2x तक जूम कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एक डिजिटल जूम होगा, ऑप्टिकल नहीं है, बट इट्स लाइक क्रॉप कह रहा है सेंसर को। और 2x में इस तरीके से आप इसको क्रॉप करके भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करते हुए ही इस तरीके से मैं जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। ये 1.5x है, ये 2x है, और इस तरीके से आप शूट करते हुए ही अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट पार्ट पे जूम करना है, जैसे मुझे गुंबद दिखाना है, तो मैं इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है कि इसके अंदर ये जो LCD स्क्रीन है, इस तरीके से मैं थंब से रोटेट करके इसको ऑन कर सकता हूँ कैमरा को। और इसका जो बूट टाइम है वो काफ़ी फास्ट है, आई थिंक विद इन अ सेकेंड नॉर्मली आपका एक्शन कैमरा ऑन हो जाता है। और उसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखता हूँ तो मेरा ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा जब मैं वीडियो शूट करूँगा, और अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वर्टिकल मोड में चले जाएगा और आप वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। विद इन सेकेंड्स आप यूट्यूब टू रील्स लाइक स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक सीन बढ़िया लगा आप उसको हॉरिजॉन्टल में भी शूट कर सकते हो, वर्टिकल में भी। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, तो आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और ऑटो रोटेशन कर सकते हो। होगा क्या, मान लेते हैं मैं लैंडस्केप पे जाता हूँ। अब लैंडस्केप में क्या होगा, अगर मैं स्क्रीन को वर्टिकल भी करता हूँ ना, तो ये रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल ही करेगा, लैंडस्केप में ही करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, देखो वर्टिकल है तो भी पोर्ट्रेट में शूट करेगा, वर्टिकल स्क्रीन कर रहा हूँ तो भी ये वर्टिकल में ही शूट करेगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे जाके थर्ड ऑप्शन लेता हूँ विच इज़ ऑटो रोटेशन, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही रिकॉर्ड करेगा, जैसे मैं इसको वर्टिकल करूँगा अब ये वर्टिकल में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और अगर आपको एक क्वेश्चन है कि क्या शूट करते हुए अगर हम ऑटो रोटेशन पे रखते हैं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से अगर हम वर्टिकल करते हैं तो वो स्विच नहीं होगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल में रिकॉर्डिंग एनेबल कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो वो हॉरिजॉन्टल में ही रिकॉर्ड करेगा। अब पॉकेट 3 में एक चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट है एक्शन कैमरा से, वो ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन 3-axis मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है। क्यों, बिकॉज पैन टिल्ट और रोल एक्सिस ये बेसिकली गिम्बल की तरह है। जैसे आप फ़ोन को गिम्बल पर लगाते हो ना, ये कैमरा है ऑन अ गिम्बल, उस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो कुछ स्टेबलाइजेशन के सैंपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। तो जैसे कि मैंने बताया 3-axis गिम्बल कैमरा है बेसिकली, तो यहाँ पे 3 गिम्बल मोड्स मिलते हैं। पहला है फॉलो मोड। फॉलो मोड में क्या होगा, आपका पैन भी करेगा, टिल्ट भी करेगा, बस रोल एक्सिस जो है वो डिसेबल रहती है। सेकेंड यहाँ पे गिम्बल मोड है टिल्ट लॉक, जिसमें आप सिर्फ पैन कर सकते हो, टिल्ट एंड एक्सिस लॉक रहेगा। एंड जो थर्ड है वहाँ पे सारे एक्सिस फ्री हो जाते हैं, FPV मोड, जहाँ पे आप पैन, टिल्ट एंड रोल तीनों एक्सिस को यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग दिल्ली से हो या कितने लोग लोधी गार्डन आए हैं, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम शूट के लिए काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। बिकॉज पहली चीज़ ज़्यादा रोक टोक नहीं है, प्री वेडिंग शूट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, स्पेशली वीकेंड है, आज सैटरडे जब हम शूट कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि मंडे करेंगे, बट मुझे था कि लाइक इस लॉन्च हुआ अभी रिसेंटली तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो या दैट इज़ इट। अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी ये स्टैंडर्ड है,
ठीक है, मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस क्लिप ऑन कर दूं एंड देन हम डिफरेंस देखते हैं कि एंगल ऑफ व्यू में कितना। अच्छा, एक और चीज इसके साथ ना, ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आता है इसके ऊपर लिखा हुआ है 0.7x 15 mm। तो बेसिकली अभी जो आप ये देख रहे हो डिफॉल्ट इसका 20 mm है, तो मैं 15 mm लगाता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आपको डिफरेंस लग रहा है नहीं लग रहा। तो इस तरीके से ये 15 mm हो चुका है, मैं वापस हटा दूँ। ध्यान रखना यहाँ पे तीसरा ये पॉइंट दिख रहा है और ये इतना वाइड है। वापस अगर मैं इसको हटाता हूँ, हाँ फ़र्क तो है, 5 mm का वाइड एंगल में फ़र्क पड़ता है और वो नोटिसेबल डिफरेंस है। वापस अगर मैं एक बार लगाता हूँ तो ये इस तरीके से आप वाइड एंगल दे सकते हो बेसिकली। तो इसमें ये चीज़ बढ़िया है कि जूम इन जूम आउट वाला फीचर तो नहीं है, बट 20 mm व्लॉगिंग के लिए सही रहता है। और इस तरीके से मैं 15 mm को वापस लगा के थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू भी दे सकता हूँ। और बढ़िया चीज़ मुझे लगी, देखो अगर मैं पास भी लेके आ रहा हूँ ना, फोकस में ये रख रहा और ब्लर इफेक्ट आप पीछे देख रहे हो, तो इस तरीके से इसका फोकस डिस्टेंस भी अफेक्ट नहीं होता और आप अपने एंगल को भी वाइड कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है, ये मैग्नेटिक क्लिप ऑन है, तो इस तरीके से मेरे को बस ये लगा के छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हटाना है तो इस तरीके से हटा के मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। और ये जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ना, इसको स्टोर करने का बहुत सही तरीका है। जब आप ये लोगे ना पॉकेट 3, तो आपको ये केस मिलेगा साथ में, और इस केस के अंदर ही अगर आप देखोगे मेंशनड है कि वाइड एंगल लेंस और मिस्ट फिल्टर। मिस्ट फिल्टर तो साथ में नहीं आता, बट आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है। और इसको स्टोर करना बहुत ईजी है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, 2x जूम किया अभी मैंने, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक है तो यहाँ पे चिपक जाएगा और इसको आप इजीली इसमें कैरी कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे, ये मैं आया, मैंने ये बॉटल नहीं रखी है, बट इसको आई विल थ्रो इट इन डस्टबिन बिकॉज बहुत लोग आते हैं ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस को ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप आते हो प्लीज़ प्लास्टिक का ध्यान रखना। और इस तरीके से अगर डायनामिक रेंज हम देखें तो काफ़ी सही है, कंट्रोल तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है। वापस अगर मैं हाईलाइट से शेडो एरिया में जाता हूँ तो बढ़िया है, डायनामिक रेंज सही है। एंड इवन मुझे अभी तक जितना देखने में शार्पनेस डिटेल सही लग रहा है, बाकी देखेंगे जब मैं स्टूडियो जाऊंगा तो और बेटर आइडिया लगेगा। एंड ये क्योंकि स्टेबलाइजेशन बेटर है, गिम्बल में है बेसिकली ये कैमरा, तो ये आपको फेयर आइडिया दे देगा अल्ट्रा वाइड का। एक बार मैं अगर यहाँ लेंस हटा देता हूँ तो ये स्टैंडर्ड है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल। और जैसे कि हम सबको पता है वर्टिकल वीडियोस का ज़माना है, सबको वर्टिकल वीडियोस चाहिए, तो अभी जो आप ये देख रहे हो ये मैंने क्रॉप नहीं किया है, स्ट्रेट आउट ऑफ DJI Osmo Pocket 3 आप इस तरीके से वर्टिकल वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ क्या है कि ये 3K रेजोल्यूशन में है, स्टैंडर्ड जो पहले हम कर रहे थे वो 4K था, ये 3K है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये पहली चीज़, ये कैमरा वर्टिकल नहीं होता। आई विश वर्टिकल होता तो 4K रेजोल्यूशन मिल जाता, बट ये जो नॉर्मल सेंसर है ना उसको क्रॉप करके वर्टिकल वीडियो देता है, तो दैट इज़ वन थिंग। बाकी आप लोग बताना शार्पनेस कैसी लग रही है, डिटेल में तो मैं स्टूडियो में जाके देखूंगा। बट ये चीज़ बढ़िया है कि आप एक तो स्क्रीन को वर्टिकल रख के पूरी बड़ी स्क्रीन में फ्रेम देख सकते हो और इस तरीके से वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, मैंने अभी ध्यान दिया कि मैंने वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ था वर्टिकल वीडियो करते हुए, तो ये नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू है और अगर आप वाइड एंगल लगाते हो तो ये एंगल ऑफ व्यू मिलेगा वर्टिकल में। अगर आप शूट कर रहे हो वर्टिकल में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है जितना हॉरिजॉन्टल में था। अब इसके अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर है, वो है फेस ट्रैकिंग का। तो एक्टिव ट्रैक 6.0 है टेक्निकली इसके अंदर, जो मैंने अभी एनेबल कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बीरोल में भी दिखा दूंगा कि जैसे मैं इस साइड पे मूव कर रहा हूँ ये मुझे ट्रैक कर रहा है, इवन अगर मैं दूसरी साइड पे भी आता हूँ ट्रैक कर रहा है, अगर मैं मान लेते हैं थोड़ा नीचे भी जा रहा हूँ तो भी ये मुझे नीचे की साइड ट्रैक करेगा, वापस अगर ऊपर आता हूँ तो भी ये ट्रैक करता है। तो इसको थोड़े एक्सट्रीम सिचुएशन में और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। तो अभी यहाँ पे मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक ऑब्स्टिकल को पेड़ के आगे से निकलूँगा इस तरीके से और देखते हैं कि ये कितना ट्रैक कर पाता है। तो अभी तक तो आई थिंक ट्रैक कर रहा है, मुझे दिख रहा है। वापस अगर मैं पेड़ के पीछे से जाता हूँ, ओ कर रहा है, ओके। तो अभी इसने मुझे पेड़ के पीछे से जाके भी ट्रैक कर लिया है। वापस अगर मैं आता हूँ तो सही है, अभी मुझे जितना दिख रहा है ट्रैक कर रहा है। एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। यस, ट्रैक कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज इतना बड़ा ऑब्स्टिकल आने के बाद भी इट इज़ मेकिंग श्योर कि वो मेरे ऊपर फोकस कैच कर सके। अच्छा, अब इसमें एक इशू है, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ ना, दो लोग हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, ये फेस ट्रैकिंग ऑन है बट स्टिल अगर मैं सिंगल पर्सन भी आऊँगा ना ये फेस डिटेक्ट नहीं करता। उसके लिए मुझे कई बार क्या करना पड़ता है, कैमरा को पीछे घुमाना पड़ता है। वापस अब मैं आगे लेके आऊँगा ना तो अब ये फेस ट्रैक एनेबल्ड दिखाएगा। ये इसमें एक मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर से थोड़ा बेटर होगा ये चीज़। और एक और चीज़, अगर मैं मान लेते हैं वापस अगर पीछे की तरफ कैमरा करता हूँ, ठीक है, वापस अपनी साइड लेके आता हूँ,
तो अब अगर दो पर्सन है पीछे की तरफ ले लिया फेस को, जबकि मैं थोड़ा पास हूँ, आइडियली मेरे ऊपर होना चाहिए था, अगर मैं टैप करता हूँ तो भी मेरे ऊपर फेस ट्रैक नहीं आएगा और जो पीछे फेस ट्रैक था वो भी अब चला गया है। तो ये फेस ट्रैक वाला काम बहुत बढ़िया करता है, बहुत यूज़फुल फीचर है, बट इसकी जो एक्यूरेसी है, इसको जो कैच करना है वो अभी उतना बढ़िया नहीं है, बट वही दिक्कत थी जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अच्छा, अब ये जो फेस ट्रैकिंग है ना, जैसे आप देख रहे हो अभी मेरे ऊपर फेस ट्रैक हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखो आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। अब इसका एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं रोटेट करता हूँ ना पीछे की तरफ, तो पीछे अगर कोई सब्जेक्ट है तो इस तरीके से देखो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वापस अगर मैं अपनी साइड घुमाऊँगा, अब ये फेस ट्रैक इनेबल्ड करेगा। क्यों? बिकॉज़ ये जो फीचर है ये फ्रंट साइड में ही काम करता है, बिकॉज इसका जैसे मैं इनेबल करूँगा ना, ये देखो ये रहेगा फेस ट्रैक सेल्फी, तो ये बेसिकली सेल्फी फेस ट्रैकिंग है, जहाँ आगे रहेगा तभी ये ट्रैक करेगा, अगर मैं पीछे की साइड कर दूंगा तो ये सब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करेगा। इसका एक हैक है, यहाँ पे फीचर में जाके आप फेस ऑटो डिटेक्ट ऑन कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका। अब फेस ट्रैकिंग का एक तरीका है जो मुझे लगा वो एक्यूरेट है, यहाँ पे आइकन है, अगर मैं क्लिक करता हूँ, पहला ऑप्शन है फेस ऑटो डिटेक्ट, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ना ये बॉक्स देगा मुझे और ये बोल रहा है कि जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो ये इस बॉक्स के अंदर जो फेस होगा उसे ट्रैक करेगा। ट्राई करके देखते हैं, अभी मैं रिकॉर्ड ऑन कर रहा हूँ, अभी डिटेक्ट करके अब ये फेस को ट्रैक कर रहा है, तो ये मुझे एक्यूरेट लगा, आई थिंक दिस इज़ एक्यूरेट। बट जो ऑटो फेस डिटेक्शन है ना वो उतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा। और इस ऑप्शन पे जाके मुझे दो और क्रिएटिव ऑप्शंस मिलते हैं, पहला है डायनामिक फ्रेमिंग, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मुझे इन टोटल 9 फोकस पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली फ्रेमिंग के लिए, तो इसको आप जॉयस्टिक को यूज़ करके अपने पॉइंट्स को इस तरीके से मूव कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, मान लेते हैं मैं ये राइट वाला यूज़ करता हूँ और अपने फेस को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, अब अगर मैं ये जॉयस्टिक बटन प्रेस करूँगा एक्टिव ट्रैक इनेबल कर देगा ये, और इससे क्या होगा कि अब ये ट्रैक तो करेगा मुझे, बट ये मेक श्योर करेगा मेरी जो पोजीशन है जो मैंने पॉइंट चूज़ करा था वहाँ पे ही रहेगा, और ये आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन दे देता है। और यहाँ पे लास्ट जो फीचर है वो है स्पिन शॉट, और यहाँ पे ना दो ऑप्शन मिलते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो इसके मैं कुछ सैम्पल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं मैं 180 चूज़ करता हूँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, इसको प्रेस करते ही ये देखो ये 180 डिग्री पूरा घूमने लग जाएगा इस तरीके से, और आप कुछ काफ़ी यूनिक शॉट्स ले सकते हो, मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ। और एक और चीज़ बढ़िया, अगर आप DJI Mic 2 कनेक्ट करते हो ना पॉकेट 3 के साथ, तो ऊपर आप देख रहे हो वॉइस लेवल आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके से अगर ये पीक जा रहा है तो ऑरेंज में दिख जाएगा, अगर नॉर्मल ऑडियो आ रहा है तो आप इस तरीके से लेवल्स इजीली यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको DJI Mic 2 ट्रांसमीटर बॉक्स में साथ में मिलते हैं क्रिएटर कॉम्बो में, और ये माइक एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली अगर आप एक डिस्टेंस से वीडियो बनाने वाले हो अपने पॉकेट 3 के साथ, तो आप इस माइक को वायरलेसली यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे ना, ये देखो आगे पूरा ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। अब पहली चीज़, आपस में इनका जो कनेक्शन है वो वायरलेसली है, ब्लूटूथ को यूज़ करके पॉकेट 3 आपके माइक 2 ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ बढ़िया, आपको कुछ भी अलग से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा पॉकेट 3 में। इसका ऑडियो कैसा आता है एग्जाम्पल मैं आपको सुना दूँ, तो अगर आप पॉकेट 3 का क्रिएटर कॉम्बो लेते हो ना, तो उसके साथ आपको ये माइक मिलता है, और ये DJI Mic 2 है, नया माइक है, देखने में काफ़ी सही है, ट्रांसपेरेंट सा है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो इस तरीके से अगर मैं पीछे भी जाता हूँ, लेट्स सपोज फेस ट्रैकिंग इनेबल है, ठीक है, कैमरा मेरा एक पोजीशन पे है, मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स कैमरा है, कैमरा मूव नहीं कर रहा, मैं अब अगर फ्रेम में मूव करता हूँ तो ऑडियो मेरा सेम रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि मान लेते हैं मैं आपको ये लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी सही पेड़ है यहाँ पे आसपास, काफ़ी लाइट आ रही है, अजीब सा टेक्सचर है यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि मैं अभी लोधी गार्डन में हूँ, मेरे को आपको इसके बारे में बताना है। तो वायरलेस माइक का बेनिफिट ये है कि आप अभी मैं कितनी दूर जा सकता हूँ एक बार देख लेता है, मुझे पता है DJI का माइक काफ़ी डिस्टेंस तक ले लेता है, बट अभी मैं आई थिंक अराउंड 20 फीट्स दूर हूँ, स्टिल ये मेरा ऑडियो उतना ही क्रिस्प ले रहा होगा, ट्रैक कर रहा है नहीं मुझे नहीं पता, अगर इतने डिस्टेंस पे ट्रैक कर रहा है देन एक्चुअली इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब कंसिडरिंग कि मैं 15 फीट दूर हूँ इस कैमरा से। टॉकिंग अबाउट कलर मोड्स, इसमें D-Log का भी ऑप्शन है, तो आप D-Log M में भी वीडियो शूट कर सकते हो, उसमें क्या होता है कलर्स थोड़े से फ्लैट आते हैं, बट आप इन्फॉर्मेशन एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर सकते हो, तो मैं आपको एक सैम्पल लेके दिखाता हूँ एन ए कंपेरिजन विद नॉर्मल वीडियो।
तो मैंने जब इंस्टाग्राम पे इसकी रील डाली थी, एक क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या इससे फोटो ले सकते हैं, बिकॉज सारे कैमरास आजकल वीडियो की तरफ फोकस्ड हैं, तो आप फोटोज ले सकते हो। 9.4 मेगापिक्सल की फोटो आती है। आई विश रेजोल्यूशन थोड़ा होता एटलीस्ट 12 मेगापिक्सल का, बट 9.4 में मैं आपको कुछ फोटो सैंपल्स दिखा दूंगा सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आप इससे कैसी फोटोज कैप्चर कर सकते हो। और फोटो में एक पैनोरामा मोड में मिलता है विच इज 3x3 पैनोरामा। तो बेसिकली आप 3x3 ग्रिड्स को यूज करके मल्टीपल फोटोज लेके कुछ क्रिएटिव और इस तरीके की इंटरेस्टिंग फोटोज कैप्चर कर सकते हो। स्पेशली अगर आपके पास इतना डिस्टेंस नहीं है तो आप पैनोरामा यूज करके एक वाइड एंगल फोटो कैप्चर कर सकते हो। अब एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कैमरास के बारे में आता है वो है बैटरी बैकअप का। तो जो DJI क्लेम कर रहा है वो है 166 मिनट्स। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, अभी 9 बजे से मैंने यहाँ पे शूट करना शुरू किया था, अभी 11:15 हो रहे हैं, सवा दो घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से मैं इससे शूट कर रहा हूँ। बैटरी आई थिंक अभी 30-35% के आसपास है, तो बैकअप बहुत सही है। इतने टाइम में एक्शन कैमरा अगर होता है बैटरी ख़त्म हो जाती है। चार्जिंग की मैं बात करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने ये कैमरा रात को चार्जिंग पर लगाया, आई थिंक 20-25 मिनट में फुल चार्ज हो गया था। DJI जो क्लेम कर रहा है वो है 16 मिनट्स में 80% चार्ज, तो आई कैन वाउच फॉर दैट 20-25 मिनट में पूरा 100% चार्ज हो जाता है, जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, बिकॉज इतनी जल्दी लाइक 15-20 मिनट में आप 80% चार्ज कर सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो शूट आउटडोर्स। तो उस हिसाब से इसका बैटरी बैकअप और चार्जिंग काफ़ी फास्ट है। तो अभी मैं इसका लो लाइट टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ घर के पास ही एक मॉल था, तो वहाँ पे ड्राइव करके 5 मिनट स्पेशली, बिकॉज पहले मैंने सोचा करके आसपास ही ब्लॉक कर लेंगे, बट ये था कि चैलेंजिंग सिचुएशंस देखनी थी जहाँ पे लाइट भी थोड़ी कम हो, पीछे ब्लर इफेक्ट आ रहा है कैसा आ रहा है। एक्चुअली अगर मेरे एकदम बैक साइड पे डेप्थ का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, स्पेशली अगर आप लो लाइट में, जैसे पीछे बोके है, तो आई थिंक लाइट्स का बोके वगैरह थोड़ा इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि कैसा परफॉर्मेंस है। अब फेस डिटेक्शन इज समथिंग जो मुझे लो लाइट में टेस्ट करना था, तो मैं एक कोई कोना ढूंढता हूँ जहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो और वहाँ पे देखते हैं कि लो लाइट में कैसे काम करता है। ओके, तो फाइनली मुझे एक जगह मिल गई है जहाँ मैं रख सकता हूँ पॉकेट 3 को। तो अभी इसका एक बार मैं जो ट्रैकिंग टेस्ट कर रहा हूँ कि जब लाइट काफ़ी चैलेंजिंग है, कम लाइट है, लो लाइट सिचुएशन है, तो इट्स डूइंग अ गुड जॉब। इवन अगर मैं नीचे भी जा रहा हूँ और आई एम मूविंग ऑन, मतलब थोड़ा सा ऊपर के एंगल पर भी जा रहा हूँ, तो भी ये ले रहा है इजीली, सो लुक्स गुड। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये लाइक बोके इफेक्ट देखोगे, अब बोके ब्लर मैं इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज इतने, एक तो एक्शन कैमराज में ब्लर इफेक्ट मिलता नहीं है, इवन स्मार्टफोन में ये जो ब्लर इफेक्ट अभी आ रहा है मैंने तो नहीं देखा इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में। दैट इज़ वाई आई थिंक लो लाइट के हिसाब से भी ये बढ़िया आउटपुट दे रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, बिकॉज आपको ही एट दी एंड डिसाइड करना है कि भाई लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ दिवाली की लाइट्स लगी हुई हैं मॉल में, तो वही मैं शूट कर रहा था। 4K 60fps है, सो आई थिंक दिस शुड गिव यू अ फेयर आइडिया कि लो लाइट में कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज जितना मैं अभी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ GoPro वगैरह एक्शन कैमरा से तो काफ़ी बढ़िया है। तो लाइक अभी जितना मैंने टेस्ट करा है लो लाइट तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और स्टेबलाइजेशन इज समथिंग, ये होता क्या कि कई कैमराज में ना जब अंधेरा होता है तो स्टेबलाइजेशन उतनी बढ़िया नहीं रहती, बट जितना मुझे इसमें दिख रहा है स्टेबलाइजेशन लुक्स वेरी गुड। तो या दिस इज समथिंग जो मुझे टेस्ट करना था। अभी मॉल के अंदर थोड़ी फोटोज लेते हैं और वो भी देखते हैं। तो अभी नॉर्मल वीडियो है विदाउट नाइट मोड, स्टैंडर्ड 4K 60fps में, जस्ट टू गिव अ फेयर आइडिया कि कैसा दिख रहा है। और अभी मैंने लो लाइट मोड इसमें इनेबल कर दिया है, तो कुछ डिफरेंस है नहीं है, डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है, कलर्स को कैसे ले रहा है, दैट इज़ समथिंग जो हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं ये इसके नाइट मोड में शूट कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि कैसे ले रहा है, और नाइट मोड में एक्सपोजर को बूस्ट कर रहा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, कैसा आउटपुट है, दैट इज़ समथिंग दैट विल हैव टू चेक। तो अभी मैं सेम वीडियो नॉर्मल मोड में ले रहा हूँ, तो पहले लो लाइट में था, अभी ये नॉर्मल में ले रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि सेम फ्रेम रखूँ सो दैट आइडिया लग सके कि दोनों में कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो अभी मैं फाइनली एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ इस मॉल के, जहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ एकदम अंधेरा सा रहता है, और वहाँ पे लो लाइट की हम काफ़ी टेस्टिंग करते हैं, पहले भी एक दो वीडियोस में आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो जस्ट मेरे पीछे ही है। एंड यहाँ पे है थोड़ा सा लो लाइट सिचुएशन, तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि बैक लाइट में कैसा काम करता है। अच्छा, फेस इसने ट्रैक एनेबल कर लिया है, तो ये चीज़ बढ़िया है कि इतने लो लाइट में भी है फेस ट्रैक एनेबल कर रहा है, और अगर मैं लाइट की तरफ थोड़ा सा फेस करता हूँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो एक बार एक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मल मोड में वीडियो ले रहा हूँ, एक बार लो लाइट वीडियो ऑन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं।
तो अभी मैंने लो लाइट वीडियो सेम फ्रेम में एनेबल किया, कुछ फ़र्क है या नहीं है लेट्स चेक इट आउट, वो मैं जब स्टूडियो जाऊंगा तो फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे DJI Pocket 3 में काफ़ी बढ़िया लगी एज़ कम्पेयर टू एक्शन कैमरा। अब एक्शन कैमरा में क्या होता है, वाइड एंगल के साथ आपका जो फोकस है ना वो फिक्स रहता है, बट Pocket 3 में मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि ये फोकस को ट्रैक करता है। तो अगर मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं पास कैमरा लेके आऊँगा ये फोकस मुझे ट्रैक करेगा, अगर मैं दूर लेके जाऊँगा उस हिसाब से ट्रैक करेगा, कुछ प्रोडक्ट में आगे लेके आऊँगा तो वो उसके ऊपर फोकस कर देगा, जिस वजह से आपको जो डिजिटल कैमरा मिररलेस कैमरा वाला लुक एंड फील है ना वो मिलता है इस कैमरा से। नाउ टॉकिंग अबाउट कि DJI Osmo Pocket 3 में क्या बेटर हो सकता था, तो जैसे DJI का ड्रोन आया था ना मिनी 3 प्रो, उसमें क्या था, आप जैसी वर्टिकल करते थे वो ड्रोन वर्टिकल मूव हो जाता था कैमरा। आई विश कि इसमें भी वो हो सकता था, आई एम नॉट श्योर टेक्निकल कुछ कंस्ट्रेंट या नहीं, बट वर्टिकल अभी आपको 3K में मिलता है विच इज गुड इनफ सोशल के लिए, सोशल मीडिया में अगर आप शूट कर रहे हो, बट आई विश वो एक चीज हो सकती थी। दूसरा जो कार्ड स्लॉट है ना यहाँ पे, इसको कार्ड का ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे कार्ड निकालने डालने वाला पॉइंट होता है, तो अगर आपकी नेल जितने लंबे नहीं है जैसे मेरे, तो वो एक इशू आ सकता है, तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो सकता था। एक और चीज़, जब अभी रिसेंटली DJI का एक्शन 4 आया था उसमें एक क्विक शिफ्ट बटन था कस्टम मोड्स के लिए, तो कस्टम मोड आप इसमें भी बना सकते हो, बट अगर वो बटन कहीं दे देते तो आई थिंक थोड़ा बेटर कन्वीनियंट रहता, अदरवाइज आई थिंक एज सच कोई इसमें फ्लॉज नहीं है। तो मैंने पिछले 3 से 4 दिन DJI Osmo Pocket 3 को काफ़ी अच्छे से यूज़ करा डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में, एंड वन थिंग दैट आई हैव टू से इज़, अगर आप एक ऐसा कैमरा देख रहे हो जिससे आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, इसमें सब कुछ है, इसमें इंटरनल ऑडियो भी इसका काफ़ी अच्छा, इवन अगर आप क्रिएटर कॉम्बो नहीं लेते आपको स्टेबलाइज फुटेज मिलती है बिकॉज इसके अंदर 3x स्टेबलाइजर है, 4K 120fps तक स्लोमो कर सकते हो 4K 60 में नॉर्मल वीडियोस, डिस्प्ले इसका बहुत बढ़िया है, ये देखो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में मैं स्विच कर सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ बढ़िया लगा। अगर मुझे कोई सीन अच्छा लगा, मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं रील्स भी बनाता हूँ, तो सेम चीज़ को ही मैं इंस्टेंटली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में शूट कर सकता हूँ एक ही कैमरा में, कुछ अलग से सेटिंग में मुझे स्विच नहीं करना पड़ेगा, जो शूटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट बना देता है, ऑल ओवर क्वालिटी बहुत अच्छी, और जो नेचुरल ब्लर इफेक्ट मिलता है ना बैकग्राउंड में, वो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक प्रॉपर जो डिजिटल कैमरा सेटअप है वो आप इतने छोटे से पॉकेट कैमरा में लेके चल रहे हो। सो ऑल इन ऑल आई थिंक बहुत बढ़िया कैमरा है। प्राइसिंग इसकी अभी डॉलर्स में आई है, INR की जब प्राइसिंग आएगी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं बेस्ट बाय लिंक जो होगा वो मैं डाल दूंगा जैसे ही अवेलेबल होगा, बट जो US डॉलर प्राइसिंग है वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो आई सजेस्ट क्रिएटर कॉम्बो इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाले हो व्लॉगिंग के लिए। सो या दैट्स इट, आपकी क्या व्यूज़ हैं इस Pocket 3 के बारे में, डू कमेंट एंड लेट मी नो। इसको मैं और थोड़ा सा यूज़ करूँगा, अगर एक और फॉलो वीडियो बनती है आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, जिसमें मैं अच्छे से इसको एनालाइज करूँगा, हिडन फीचर्स वगैरह निकाल के आपको बता सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म रिव्यू, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।